हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन आलम और आप देख रहे हैं रोशन टेक्निकल। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ सऊदी के दो न्यू अपडेट के बारे में। ये अपडेट बहुत गुड न्यूज होने वाला है उनके लिए जिनका एज 50 साल है या उससे अधिक है, और उनके लिए भी गुड अपडेट है जो सऊदी अरबिया से बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो छुट्टी पर जाना चाहते हैं या एग्जिट पर जाना चाहते हैं, मतलब किसी भी कारण से सऊदी से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। तो अपडेट बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। इसलिए मैं पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाइए। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। तो पहला अपडेट ये है, जिनका एज 50 साल है या उससे अधिक है और उनको वैक्सीन का पहला डोज लिए हुए 42 दिन हो गए हैं या फिर 42 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो वो अपना सेकेंड डोज ले सकते हैं, चाहे उनके सेहती या तवकल्ला में सेकेंड डोज अवेलेबल हुआ हो या नहीं हुआ हो, जाके सेकेंड डोज ले सकते हैं अपना किसी भी नज़दीकी सेंटर पर। लेकिन साथ में अपना पहला डोज का रिपोर्ट ले लीजिएगा। अगर आपके पास पहला डोज का रिपोर्ट नहीं है तो सेहती एप्लीकेशन से अपना पहला डोज का रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला डोज का रिपोर्ट और इकामा दिखाकर सेकेंड डोज ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपका एज 50 साल और वैक्सीन का पहला डोज लिए हुए 42 दिन होने चाहिए, तभी आप सेकेंड डोज ले सकते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं दूसरा अपडेट की तरफ। तो दूसरा अपडेट ये है, अगर आप सऊदी अरबिया से बाहर जाना चाहते हैं, छुट्टी पर जाना चाहते हैं या एग्जिट पर जाना चाहते हैं, तो अब आपको PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका वैक्सीन का दोनों डोज कंप्लीट होना चाहिए, मतलब पहला डोज और दूसरा डोज पूरा मुकम्मल होना चाहिए, तब आपको PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका दोनों डोज कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप PCR टेस्ट कराकर ही जाइएगा, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो बस आज के वीडियो में यही दो अपडेट था। अगर अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसा अपडेट और इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया अपडेट के साथ। बाय।